हाय गाइस, देखें इंटीग्रेशन करेंगे एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। लिमिट है 0 से पाई बाय 2। रिडक्शन फॉर्मूला है, फॉर्मूला फाइंड करेंगे। देखें, इसको मैंने आई एन लेट किया है। सबसे पहले मैं एन है, इसको एन माइनस वन पर ब्रेक करता हूँ। तो आई एन इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2 एक्स फोर कोस की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स और डी एक्स। देखिए, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। देखिए, ये इतना हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड कोस एक्स है, ये सेकंड फंक्शन है। देखिए, आई एन इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स कोस की पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज़ और कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और लिमिट 0 से पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन, लिमिट 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे, यू इंटू वी लगेगा। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, कोस की पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव करेंगे तो एन माइनस वन और कोस, यहाँ पर क्या होगा, एन माइनस टू एक्स और फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन, फिर एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज कोस की पावर एन माइनस वन एक्स एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक, ओके, इतना ही ब्रैकेट में पूरा। और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है कोस एक्स एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, इस पूरे के साथ इसकी मल्टीप्लाई है यहाँ पर और लिमिट है 0 से पाई बाय 2 और फिर डी एक्स। देखिए, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। आई एन इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं हम पहले, यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है, सॉरी पहले पाई बाय 2 पुट करेंगे हम, पाई बाय 2 पुट करेंगे, कोस पाई बाय 2 हमारा 0 होता है तो ये पूरा 0 होता है, और 0 पुट करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 माइनस इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 से पाई बाय 2। देखिए, यहाँ पर क्या है, एन माइनस वन बाहर ले लेते, सॉरी कोई बात नहीं, एक्स और कोस की पावर एन माइनस टू और एक साइन एक्स ये है और एक साइन इस पूरे के साथ इसकी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वेयर एक्स और एक माइनस भी है, तो माइनस माइनस यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, माइनस का साइन और प्लस क्या है, प्लस कोस की पावर एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स डी एक्स, डी एक्स दोनों के साथ है। और देखिए, अभी मैं ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आई एन इक्वल टू, ये मैं बाहर ले लेता हूँ, एन माइनस वन और इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर एक्स और कोस की पावर एन माइनस टू, यहाँ पर साइन स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस प्लस, सॉरी ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा और लिमिट 0 से पाई बाय 2 कोस की पावर एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स डी एक्स। देखिए देखिए, अभी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले आई एन इक्वल टू एन माइनस वन और इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 से पाई बाय 2,
इसकी पहले वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, एक्स कोस की पावर एन माइनस टू एक्स, और फिर इसकी इसके साथ कोस स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस एक्स कोस की पावर एन माइनस, यहाँ पर पावर ऐड होगी दोनों की तो क्या होगा, एन माइनस टू है और टू पावर ये है तो कोस की पावर एन बचेगी यहाँ पर, कोस एन एक्स डी एक्स। ओके देखिए माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका यहाँ पर कोस एक्स है, लिमिट कोस एक्स है, कोस एक्स को मैं यहाँ पर टी पुट कर लेता हूँ, कोस एक्स को मैंने टी पुट कर लिया है यहाँ पर। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर कोस एक्स को टी, तो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन एक्स इक्वल डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, तो माइनस ये साइन इधर ले जाते हैं माइनस का, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ओके माइनस डी टी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन साइन लिमिट जीरो से पाई बाय टू और टी की पावर एन माइनस वन, और एक ये माइनस डी टी है तो माइनस की ये मल्टीप्लाई बाहर लिख देता हूँ, एक माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा और डी टी, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस डी टी आया है, मिला है हमें यहाँ पर। ओके देखिए आई एन इक्वल टू एन माइनस वन और लिमिट जीरो से पाई बाय टू, एक्स कोस की पावर एन माइनस टू एक्स, और अभी इस दोनों की मल्टीप्लाई दोनों के अलग अलग कर कर लिख देता हूँ मैं, माइनस एन माइनस वन डी एक्स, सॉरी यहाँ पर डी एक्स और एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एक्स लिमिट जीरो से पाई बाय टू, एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स, और प्लस ये प्लस क्या है टी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर एन और बाय में एन, लिमिट क्या है जीरो से पाई बाय टू। देखिए अभी आई एन इक्वल टू यहाँ पर क्या है एन माइनस वन ये यहाँ से, और ये देखिए हमने लेट किसको किया था, एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स को आई एन लेट किया था, और यहाँ पर भी सेम है, एन की जगह हमें यहाँ पर एन माइनस टू है तो इसकी जगह मैं आई एन माइनस टू लिख देता हूँ माइनस, और एन माइनस वन यहाँ पर क्या है एन माइनस वन, और ये सेम ही है तो ये हमारा आई एन है, प्लस यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है हमारी, टी की वैल्यू यहाँ पर कर कर दिखा देता हूँ मैं, टी की वैल्यू हमें क्या किसको टी मानना था कोस एक्स को, तो कोस एक्स पुट करेंगे हमें और लिमिट रखेंगे जीरो से पाई बाय टू, तो कोस पाई बाय टू हमारा कितना होता है, कोस पाई बाय टू जीरो होता है और माइनस जीरो रखेंगे तो क्या होगा वन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा माइनस वन, और नीचे क्या है पावर कितनी है माइनस वन और इसकी पावर कितनी है एन, और नीचे भी क्या है एन, तो देखिए वन की पावर एन वन ही होगा और नीचे क्या है माइनस माइनस वन है ना, ये माइनस वन और नीचे एन। ओके देखिए अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख लेते हैं हम आई एन, और ये है ये इस साइड ले आएंगे हम, ये इस साइड ले आएंगे हम, ये माइनस है तो इस साइड क्या आकर प्लस होगा एन माइनस वन और आई एन इक्वल टू हमारा क्या है एन माइनस वन और आई एन माइनस टू, और माइनस ये बचा है हमें वन अपॉन एन। देखिए यहाँ पर आई एन हम कॉमन ले लेते हैं
तो आई एन कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आई एन की जगह क्या है, वन, और प्लस क्या है, एन माइनस वन, और इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस आई एन। ठीक है, देखिए ये वन से वन कैंसिल हो रहा है, तो आई एन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में होगा, एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू और माइनस वन अपॉन, यहाँ पर एन है पहले से ही, तो यहाँ पर एन स्क्वेयर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।